ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक साथी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुए हैं। शातिर बदमाश पर गाजियाबाद से लूटी हुई स्विफ्ट कार, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। तो ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में और यहाँ पर भी गिरफ्तारी हुई है। शातिर बदमाश पकड़ा गया है, इसकी तलाश की जा रही थी लंबे समय से और ये लूटी गई कार के साथ बरामद हुआ है। इसके पास है तमंचा और कारतूस भी मिला है। देखिए, शाम के समय जो है दादरी पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिस समय एक स्विफ्ट गाड़ी आई उन्होंने रोका नहीं गाड़ी को, पुलिस ने पीछा किया। इसके बाद ये बील अकबरपुर और दतावली के बीच में आकर के उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने क्रॉस फायर किया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, इन्होंने क्रॉस फायर किया, पुलिस ने फिर जवाबी फायरिंग में इस बदमाश को पकड़ लिया। हालांकि बदमाश के दो साथी जरूर भागने में कामयाब रहे, लेकिन बदमाश पकड़ा गया है लूटी हुई कार के साथ, जिसकी नंबर प्लेट भी इसने बदल दी थी, दूसरी नंबर प्लेट लगा ली थी। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों से मुठभेड़ की खबरें आई हैं और अलग अलग जिलों में मुठभेड़ हुई है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में बदमाश पकड़ा गया है। हालांकि इसके साथ ही जरूर भाग गए, लेकिन ये इनामी बदमाश पकड़ा गया है और लूटी गई कार इसके पास से बरामद की गई है। मेरठ है, बागपत की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो यहां से अब तक मुठभेड़ की खबरें सामने आई। तो शातिर बदमाश पकड़े जा रहे हैं। प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन लगातार चलाया जा रहा है। तो मेरठ की बात करें, यहाँ पर कार्रवाई हुई, बागपत में भी एनकाउंटर हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ हुई। तो मेरठ, बागपत और ग्रेटर नोएडा से मुठभेड़ की खबरें आई हैं। यहां पर मुठभेड़ हुए हैं और तीनों ही जगहों पर मुठभेड़ हुई, इसमें बदमाश पकड़े गए हैं।